हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम एक ट्रिक के माध्यम से अगर हमें किसी स्क्वायर का दो अपोजिट वर्टेक्स गिवन है तो ट्रिक के माध्यम से हम दोनों बाकी दो अपोजिट वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपके पास ट्रिक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको हम बताते हैं ट्रिक। देखिए, तो आपके पास वही ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको कहते हैं क्या कि दोनों अपोजिट वर्टेक्स को का कोऑर्डिनेट को मात्र अंदर 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। इसका कहता है क्या कि अगर आपके पास दो वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 गिवन था, इसको लिख सकते हैं इसका दोनों वर्टेक्स कैसे गिवन होगा, x1 + x2 - y1 - y2 / 2, y1 + y2 - + x1 - x2 / 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं, बट आपको ध्यान देना है क्या क्या यहाँ पर देखने प्लस माइनस और यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपके पास दो पॉइंट आएगा, एक में यहाँ से प्लस माइनस रहेगा, एक में को माइनस प्लस लिएगा। ठीक है, हम इस पर सबको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसके बाद आपको क्या होगा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, इस पर एक एग्जांपल था क्या कि इफ टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, कहता कि एक स्क्वायर था जिसका दो अपोजिट वर्टेक्स क्या था गिवन था, तो बोलता है कि इसका अदल तो वर्टेक्स होगा, डेटिस क्या वर्टेक्स से वर्टेक्स होगा। देखिए, तो हम बताते हैं क्या कि अगर आपके पास दो वर्टेक्स गिवन है तो बाकी दो वर्टेक्स के फॉर्म में बताए थे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि x1 y1 x2 y2 कितना हो लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास x1 कितना है 5 है, y1 कितना है 8 है, फिर x2 कितना है 3 है और y2 कितना है 4 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको उठा के इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। देखिए, आप पुट करते हैं, देखिए जैसे ही आप इसको उठा के इसको इस फॉर्म में पुट किया तो आपके पास क्या आएगा, इसके फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, इसके फॉर्म में क्या होगा, 5 + x1 + 2 - y1 - y2 - 8 + y2 - 3 + 4 और माइनस प्लस। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, प्लस माइनस यहाँ पे को माइनस प्लस को होगा क्या कि x1 - x2 / 2 कर ली। अब इसको आप जैसे ही आगे क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही आप इसको आगे क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, तो आपके पास 5 × 3 8 आ जाएगा, प्लस माइनस का होगा 8 - 4 का होगा 4 होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 4 = 12, माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, 5 - 3 कितना होगा 2 / 2। देखें, ये को यहाँ कर लेंगे 8 + 4 / 2 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से कर लेंगे माइनस प्लस, यहाँ यहाँ पर प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लेंगे तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, और 12 - 2 / 2 करेंगे तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस वाला लेते हैं, तो 8 - 4 / 2 करेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पर कर देंगे प्लस वाला 2 करेंगे तो कितना समझेगा। तो आप हमको इस प्रश्न दोनों हम क्या वर्टेक्स फाइंड किए। देखिए, तो इस तरह आपको डियर आपका शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स।